नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं शरद बाघेला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। इसमें 1.5 दर्जन आईएएस के साथ 10 IPS प्रभावित हुए हैं। 3 जिलों के कलेक्टर और 5 जिलों के SP बदल दिए गए हैं। वहीं रायपुर कलेक्टर के पद से हटाए गए बसवराजू के साथ संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग एलेक्स पॉल मेनन को भी विभाग के मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। फिलहाल रायपुर में नए कलेक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है। और इस संबंध में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आशीष तिवारी। आशीष, एक बड़ा फेरबदल किया गया है रायपुर छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ अपडेट इस बारे में आपके पास? देखिए बिल्कुल शरद, 18 IAS अधिकारियों और 10 IPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार चर्चा हो रही थी कि राज्य में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी, उसके अनुरूप ये सूची देखने को मिल रही है। हालांकि कल मुख्यमंत्री पूरे दिन कलेक्टर SK कॉन्फ्रेंस लेते रहे, तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये कॉन्फ्रेंस चली है और चर्चा चल रही थी कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही ये ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा फेरबदल जिलों में मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, चुनिंदा कलेक्टरों को ही उनके प्रभार में तब्दीली की गई है। लेकिन जो बड़ी सर्जरी हुई है वो मंत्रालय में सेक्रेटरिएट लेवल के अधिकारियों के बीच देखने को मिल रही है। सी के केतान का कद बढ़ाया है, उन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही आरपी मंडल जो है उन्हें वन विभाग की जिम्मेदारी सरकार ने देकर एक बड़ा प्रोफाइल देने की कोशिश की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो जिस तरीके से थी कि कई जिलों के SP बदल दिए जाएंगे, उस तरीके से प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई थी। कई जिलों के SP बदल दिए गए। EOW में जो पदस्थ रहे दीपक झा, उन्हें जगदलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस आधार पर अभी कहना बेहद मुश्किल होगा कि जिस तरीके से नक्सल के इश्यूज को लेकर भूपेश बघेल ने कल कलेक्टर कॉन्फ्रेंस SP कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया कि कोई भी मुरव्वत नक्सलवाद के खिलाफ नहीं होगी, उस पर एक अहम कड़ी के तौर पर ये देखा जा रहा है। काफी अनुभवी अधिकारी हैं जिन्हें बस्तर भेजा है भूपेश सरकार ने, लेकिन एक स्पष्ट निर्देश भी ये दे दिया है कि सभी जिलों के कलेक्टर हो या SP हो या मंत्रालय के अधिकारी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड काम भूपेश सरकार ने उन्हें चाहिए। जी, यानी कि एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कल भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक के साथ साथ संभागायुक्त के साथ जो कॉन्फ्रेंस की है, उस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तरह की ट्रांसफर सूची निकालना और बड़े जिम्मेदार अधिकारियों को और जो काफी अनुभवी अधिकारी हैं उनको बस्तर अन्य जगहों पर भेजना, क्या कुछ माइनस के निकलकर सामने आते हैं? देखिए, प्रशासनिक कसावट के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल है और ये कल ही डिसाइडेड नहीं था, दरअसल ये प्री डिसाइडेड था। पहले से ये तय था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद राज्य में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है, पुलिस महकमे में भी बड़ी पैमाने पर तब्दीली हो सकती है। लेकिन जरूर जिस तरीके से कलेक्टर और SP कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था तब ये चर्चा जरूर थी कि परफॉर्मेंस एक बड़ा पैमाना बनेगा। लेकिन बावजूद इसके जो सूची पहले तैयार कर ली गई थी उसी सूची पर मुहर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाई है। IPS अधिकारियों का यहाँ पर जिक्र करें तो प्रशांत अग्रवाल पर भरोसा जताया है और उन्हें एक बड़ा जिला दिया गया है। SP बिलासपुर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इसके अलावा शलभ सिन्हा सुकमा SP बनाए गए हैं, दिव्यांग पटेल बीजापुर के SP बनाए गए हैं और DS मरावी और गोर्धन ठाकुर को वाहिनी में भेजा गया है। यानी जो फील्ड पे थे उन्हें वाहिनी में तैनाती मिली है और जो एक तरीके से कहा जाए कि जो नए बैच के अधिकारी हैं उन्हें फील्ड की तैनाती यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दी है ज्यादा जोश और उत्साह के साथ ताकि रिजल्ट देकर आ सके। आशीष, एक बड़ा फेरबदल हुआ है जहाँ पर RP मंडल से गृह जेल और परिवहन का प्रभार लेकर ACS CK खेतान को सौंपा गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, CK खेतान और RP मंडल दोनों एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं और जिन दोनों ही विभाग के जो महकमे हैं काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। खेतान और मंडल ही भविष्य के दो ऐसे चेहरे होंगे जो मुख्य सचिव के तौर में शामिल हैं और जिन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है ये दोनों ही जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। खेतान पहले ACS के तौर पर वन विभाग की जिम्मेदारी संभालते थे और मंडल गृह और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी ACS के तौर पर संभाल रहे थे। यानी एक तरह से कहा जाए कि उनके आपस के विभागों में अदला बदली की गई है।
एक प्रक्रिया है और इस बात को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि मंडल को वन विभाग लाया जा सकता है और सरकार ने जिस तरीके से आदेश जारी किया है इस चर्चाओं को बल नहीं मिला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरह से हम देखें कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के बाद भूपेश सरकार ने एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है और सर्जरी में कई महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं। यहाँ पर कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनको या तो बस्तर भेज दिया गया है या फिर उन जिलों में पहुंचा दिया गया है जो काफी संवेदनशील है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सीनियर हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। अगली खबर